मैं मंजू देवी, 17 नंबर वार्ड पार्षद। 5 साल में क्या क्या काम किए हैं अपने वार्ड में? रोड बनवाए हैं, नाला भी बनवाए हैं, और उसके बाद समुदाय भवन भी बना है, और उसके बाद आवास भी दिलवाए हैं बहुत आदमी को, राशन। कितने लोगों को आवास दिलवाए हैं आप? 400-500 को दिलवाए हैं। पहले तो ये पर्चाधारी को मिला, उसके बाद दानपत्री अभी चल रहा है आवास के लिए। महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या काम किए हैं? महिलाओं के लिए जैसे आदमी लोग को समझाते हैं, बुझाते हैं, जाते हैं, कभी समस्या होता है तो उसके लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में आप क्या काम किए थे? चावल वितरण किए हैं, सैनिटाइजर अभी बंटवाए हैं, मास्क भी बंटवाए हैं। चावल जो वितरण किए थे मैम, वो निजी कोष से या सरकारी फंड से? कुछ निजी कोष से करवाए थे और उसके बाद सरकारी फंड से मिला था। कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? अभी तो पूर्ण समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार भी आप जीत पाएंगी? हाँ जरूर, अभी तो जनता पूरा समर्थन दे रहे हैं हम लोग को। अच्छा। न्यूज के माध्यम से तमाम वोटरों को क्या कहेंगे आप? मैं तमाम जनता लोग को मैं प्रणाम करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ, ताकि जितना मेरा हमको प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, इस बार भी हम चाहते हैं कि जनता लोग से आशीर्वाद मिले ताकि हम फिर से आ सकें। जो आधा अधूरा है उसको मैं काम पूरा करूँगी। सर आप अपना परिचय दें। देवघर नगर निगम वासियों को मेरा प्रणाम जोहार, साथ ही साथ मैं MM न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे वार्ड के लिए कीमती समय दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद। मैं मंजू देवी, वार्ड नंबर 17 वार्ड पार्षद का पति मुकंदर महाथा। मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ, समाज सेवा ही मेरा काम है। हर सुख दुख में मैं जनता के साथ हमेशा बना रहता हूँ, इसलिए जनता हमें हमेशा प्यार करती है, आशीर्वाद देते रहती है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी आशीर्वाद बना ही रहे। मैं वार्ड क्षेत्र के लिए पार्क का निर्माण करवाया हूँ, रोड नाला का निर्माण करवाया हूँ, वार्ड विकास केंद्र का निर्माण करवाया हूँ, वार्ड में पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन जलापूर्ति पाइपलाइन विस्तारीकरण करवाया हूँ। इसके अलावा आवास निर्माण हेतु प्रयास किया हूँ, जिसमें कि यहाँ के लोकल वासियों को 400 से प्लस आवास मिला है। अभी दानपत्री में जो बसे हुए हैं, आकर जो बसे हुए हैं, उन लोगों को भी आवास का लाभ दिया जा रहा है, और इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2,25,000 रुपया आवास योजना के तहत में सरकार के द्वारा आवंटित है। कोरोना काल आया था, COVID-19, इससे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त थी। उस समय में आपने क्या क्या सहयोग किए हैं अपने वार्ड के तमाम लोगों के लिए? मैं कोरोना काल के समय में भी जनता के बीच रहा हूँ, हर घर में जाके सैनिटाइजर करवाया हूँ, साथ ही साथ मास्क का वितरण करवाया हूँ, सैनिटाइजर का भी वितरण करवाया हूँ, किट का भी वितरण करवाया हूँ, साथ ही साथ जनता को अनाज हेतु लगातार जिला प्रशासन प्लस अपने स्तर से प्रयास करते हुए जनता को बीच बीच में राशन का वितरण भी करवाया हूँ। आपके वार्ड में सर कितना टोटल डीलर है? मेरे वार्ड में 4 डीलर हैं। चारों क्या नियमित रूप से गरीब लोगों को राशन मुहैया कराती है? नहीं, कभी कभी हरा कार्ड वाले को दिक्कत किया जाता है डीलर के द्वारा, चावल बोला जाता है कि चावल अभी उपलब्ध नहीं है आने के बाद। आपने कभी शिकायत की है विभाग से? जी हाँ। चुनाव में आएंगे तो इस बार कौन सा मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं आप? मेन मुद्दा है पानी निकासी का, नाली निर्माण का आधा अधूरा रहने के कारण जल निकासी का समस्या बना हुआ है विशेष जगह पर। तो पेयजल की क्या स्थिति है सर? पेयजल तो अभी ड्राई जोन होने के कारण बहुत सा चापाकल सूख चुके हुए हैं, और जलापूर्ति जो पाइपलाइन से भी दिया जाता है तो वो भी कम समय के लिए दिया जाता है। इस न्यूज के माध्यम से तमाम वोटरों से क्या आप कहेंगे? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि मैं जैसे अभी तक आप लोग का सेवा करते आया हूँ, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें, मुझे एक मौका दें, ताकि मैं अगला भी आपका सेवा हमेशा करते रहूँ। इसी के साथ मैं आप नगरवासियों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, जोहार।